दर्शन काटो सारे मेरे रंग शाम, शाम दो दर्शन काटो सारे तेरे नाम का जारी आया तेरे दर का भिखारी आया तेरे नाम का जारी आया तेरे दर का भिखारी आया शाम दो दर्शन काटो सारे मेरे हमारे लिए प्रथम नहीं आते, पहले हर जगह चले जाते हैं, ये काम कर दो, वो काम कर दे, ये काम कर दे, ये मदद कर दे, जब कोई नहीं आता तब भगवान को याद करते, पर पहली बार भगवान को याद करते तो सच्चे भक्त क्या कहते हैं, ओ हमको तो आसरा है, हमको तो आसरा है, ऐ श्याम मुरली वाले, ऐ श्याम खाटू वाले।
तो यहाँ पर भगवान प्रहलाद जी को बहुत सी ज्ञान की बातें समझाते हैं। अब यहाँ पर सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से कि अब हम चलते हैं नारद जी और युधिष्ठिर जी के पास, जहां धर्म की चर्चा चल रही है। किसकी किसकी धर्म क्या है, धर्म की बातें बहुत लोग करते हैं, बहुत सी बातें आती हैं। नारद जी कहते हैं मैं तुम्हें, क्योंकि धर्म के 30 लक्षण हैं, कितने लक्षण हैं, पर मैं तुम्हें 5 बताता हूं जो नींव है, और अगर नींव कमजोर रहेगी तो इमारत खड़ी नहीं हो पाएगी। और ये 5 ऐसे लक्षण हैं जिनका पालन आप रोजाना कर सकते हैं, और अगर आप रोजाना इन 5 चीजों का पालन करें तो आप धर्म को ही बचा रहे हैं। तो सबसे पहला लक्षण नारद जी बताते हैं, सत्य। धर्म का सबसे पहला लक्षण है सत्य, सत्य की राह नहीं छोड़ी थी। तो जितना हो सके, इसलिए मैंने कहा आज के समय में सिर्फ सत्य बोलना तो मुमकिन, तो इसलिए जितना हो सके, देखिए मैं बोलती वही बात हूं जिसका आप पालन कर सके, वरना क्या फायदा मैं बोल दूं कि भाई सत्य बोलो, हमेशा सत्य बोलो, यहां से बाहर निकल के सब बोलेंगे कुछ भी बोलते हैं, इनके बोलने से होता है क्या, क्या फायदा ऐसी बात बोल के। तो जितना हो सके आप सत्य की राह पर चलिए, जहां झूठ की जरूरत नहीं। शुरुआत आप कैसे करेंगे, शुरुआत इससे नहीं कि सत्य क्या है, शुरुआत पहले ऐसे करिए जहां झूठ की जरूरत नहीं वहां झूठ मत बोलिए। सत्य बोलना ये बाद में शुरू करना, पहले झूठ बोलना खत्म करो। तो जहां झूठ की इसका एक उदाहरण मैं आपको दे सकती हूं, ऐसे ही उदाहरण दोनों के लिए है, पर करते ज्यादा पुरुष है तो इसीलिए थोड़ा झुकाव पुरुषों की तरफ रहेगा। कि मान लीजिए आपने किसी से मिलना तय किया है और आपने समय बांधा कि भाई इतने इतने समय मिलते हैं इस जगह पर, उतने समय में वो व्यक्ति उस स्थान पर पहुंच गया। अब वो आपको फोन करेगा भाई कहाँ हो भाई, आपका जवाब क्या होता है बताइए, रास्ते में हूं, और बस पहुंच गए, और जवाब 2 मिनट, अरे बस गेट पे। असलियत क्या होती है, जाम लगा है यार, असलियत क्या होती है, निकले ही नहीं अभी तक। यहां झूठ की जरूरत है, यहां कोई झूठ की जरूरत, सामने वाला क्या करेगा, 2 बात सुनाएगा ना खाली, कि भाई क्या तुम समय बांधकर समय पर नहीं आए, सुन लेना गलती तो हुई है, पर ऐसा तो नहीं है कि कोई पहाड़ टूट जाएगा, कि जिंदगियां बर्बाद हो जाएगी इसीलिए झूठ बोलना पड़ रहा है। मैं हमेशा एक बात कहती हूं कि आज सहन शक्ति, और ये सहन शक्ति किसी पाप के लिए नहीं है, वहां तो एक इतना सा भी मत सहन करना। मैं ये सहन शक्ति का अर्थ लोग अभी अलग ही निकाल लिए हैं, और ये खास करके बेटियों को बोला जाता है ससुराल के लिए, वहां तो बिल्कुल भी नहीं, गलत तो बिल्कुल सहन नहीं करना, क्योंकि आप सहन शक्ति कब तक के लिए बोल रहे हो, जब तक कोई खबर मिलेगी कि पहली बार में ही रोक देना, क्योंकि पहली बार में नहीं रोकोगे तो अंत में बढ़ते जाएंगे ना, और बढ़ के फिर एक दिन खबर मिलेगी और फिर बोलेंगे हमको तो पता ही नहीं था, पता आपको सब था पर आपने बोला कोई बात नहीं, सहन तो थोड़ा करना पड़ता है, गलत तो कभी सहन नहीं करना, गलत तो इतना सा भी सहन नहीं करना। भगवान कहते हैं गलत करने वाला और गलत सहन करने वाला, जो जानता है कि उस पर गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है, ये दोनों ही गलत है। अगर कोई जानता है मुझ पर अन्याय हो रहा है फिर भी वो आवाज नहीं उठा रहा, तो कहीं ना कहीं दोषी वो भी है कि आवाज क्यों नहीं उठा रहा। तो अन्याय तो इतना सा भी, यह सहन शक्ति का अर्थ अन्याय सहना नहीं होता, हम इस तरफ ले गए। सहन शक्ति का अर्थ होता है जब आपके जीवन में विपदाएं आती हैं, जो चीजें आपके कंट्रोल की नहीं है, जैसे अब ये बीमारी आई हमारे कंट्रोल की थी, इस वक्त आपके पास क्या उपचार था,
सहन करना। जब तक ठीक नहीं हो जाता तब तक चुपचाप बैठे रहना, और तो हम कुछ कर नहीं सकते। तो जहां चीजें आपके हाथ की नहीं है तब सहन शक्ति की परीक्षा होती है कि ये व्यक्ति कितनी देर तक इसको सहन कर सकता है। हार जीत हमारे हाथ की नहीं होती, मेहनत करना हमारे हाथ का, हार जीत हमारे हाथ की, पर उस वक्त कोई हार का सामना कर नहीं पाता तो उसको सहन शक्ति बोलते हैं। कि जब चीजें आपके कंट्रोल के बाहर की है उसको आप कितना सहन कर सकते हैं। तो ये आजकल कम क्यों हो रहा है? क्योंकि हम इतनी इतनी सी बात पर झूठ बोलते हैं। झूठ मतलब क्या होता है, इसको आप एक साधारण तरीके से समझिए। सबको लगता है कौन सी बड़ी बात है, इतना सा तो झूठ बोला, इससे कौन सा कोई पहाड़ टूट जाएगा, किसी की जिंदगी, किसी और की जिंदगी नहीं, आपकी जिंदगी खराब हो रही है। कैसे झूठ बोलने का मतलब क्या होता है, व्यक्ति झूठ क्यों बोलता है, बताओ? हाँ, किससे बचाव के लिए? नहीं, और थोड़ा करीब जाइए उत्तर के। मतलब ये आपके ऊपर खास करके बात नहीं हो रही है, ये साधारण रूप से उत्तर आए कि इंसान झूठ क्यों बोलता है, सच छुपाने के लिए, सच से बचने के लिए, सच से भागने के लिए। तो ये छोटे छोटे सच अगर आपसे आप इनका सामना नहीं कर पा रहे हैं, जब जीवन का सच सामने आएगा तो आपको क्यों लगता है कि आप सामना कर पाएंगे? आप कोई ऐसे वैसे कदम नहीं उठाएंगे, आप गलत रास्ता नहीं अपनाएंगे, जरूर अपनाएंगे, क्योंकि आपको इतने से सच का तो सामना करना आता नहीं है, वहां तो आप झूठ बोल के बच जा रहे हैं। इसीलिए सच बोलना चाहिए कि जब आप छोटे छोटे सच का सामना करते हैं तब धीरे धीरे आपको सच की आदत, और जब जीवन का कोई बड़ा सच सामने आता है तो आप उसको सहन कर पाते हैं। और जब इतना ही इतना सहन नहीं कर पा रहे हैं, अचानक से इतना बड़ा सच सामने आ गया तो इंसान कैसे सहन करेगा? इसीलिए झूठ नहीं बोले। तो ये साधारण रूप से, धार्मिक रूप से नहीं, आपके जीवन के लिए भी ये अच्छा है कि आप ये छोटे छोटे झूठ बोलना बंद करिए। तो सबसे पहला लक्षण है धर्म का, सत्य। दूसरा लक्षण है दया, जो मेरे हिसाब से इंसानों में तो खत्म हो गई है। हमसे ज्यादा तो जानवरों में अब दया बची है। हमसे ज्यादा तो अब जानवरों में दया बची है कि कम से कम रास्ते में कुछ गलत होता देखते हैं तो भौंकते तो हैं। हम तो उतना भी नहीं करते, और कई लोग तो देखिए ऐसा ऐसा तर्क देते हैं कि कितना इंसान समझदार अपने आप को समझता है, समझदार बनता या समझदार है नहीं, समझदार अपने आप को समझता है। तो कई लोग ऐसा तर्क देते हैं कि भाई हम में तो इतनी दया है कि हम देख ही नहीं पाते, इसलिए हम चले जाते हैं, हमसे तो देखना ही नहीं होता। पर आजकल तो वो भी नहीं है, चलो ये तर्क देने वाले थोड़ा तो अपना बचाव करें, पर आज ही साथ एक और क्रूरता का काम करेंगे, वीडियो बनाएंगे। अब देखिए, एक बार के लिए सबको, और ठंडे दिमाग से सोचिए कि मनुष्य का स्तर कितना गिरता जा रहा है, कि कोई पीड़ा में है, कोई तकलीफ में है, कोई चीख रहा है और सामने व्यक्ति खड़े होकर वीडियो बना रहा है, उसकी दया कहां गई है? इतना गिरता जा रहा है। मैं नहीं कहती अपनी जान को जोखिम में डाल के मदद करिए किसी की, पर ऐसी कितनी बार होता है कि आपके आंखों के सामने कुछ गलत हो रहा है और आपको पता है कि आपको बस आवाज उठा, उसमें भी हमें क्या, हमें क्या। एक बात याद रखना, दुनिया गोल है,
और ये बात मैं बिल्कुल भी मिठास में नहीं कहूंगी ये कहकर कि भगवान करे ऐसा कुछ ना हो। भगवान, दुनिया गोल है, चीजें घूम कर आती है। आज आप रास्ते से गुजर रहे हैं और किसी की आंखें आपसे मदद मांग रही है कि कोई तो मेरी मदद कर दे, और आप ये सोचकर वहां से निकल रहे हैं कि मुझे क्या, किसी दिन आपको भी मदद, और उस दिन सामने से व्यक्ति यही बोलकर निकल रहे होंगे कि हमें क्या। तो इसीलिए थोड़ी तो दया रखिए। लोग कहते ना अच्छाई का जमाना नहीं रहा, जमाना नहीं रहा छोड़िए, आप तो अच्छे रहिए। जैसा मैंने कहा, जान को थोड़ी जोखिम में डालना है कि आपके साथ कुछ गलत हो जाए, लेकिन अपना स्वभाव नहीं भूलना है, अपने स्वभाव को तो जिंदा रखो, तो इंसान कहलाने लायक रहोगे। जब इंसानियत खत्म हो जाएगी, दया खत्म हो जाएगी, तो फिर इंसान कैसे। तो दूसरा लक्षण है दया, तीसरा लक्षण है पवित्रता। खुद को पवित्र रखिए, घर को पवित्र रखिए। घर जितना साफ सुथरा होता है, उस घर में उतनी लक्ष्मी आती है। जितनी गंदगी होगी, उतनी दरिद्रता आएगी। तो पवित्रता तीसरा लक्षण। चौथा लक्षण है तपश्चर्या, यानी अब चलिए अपने आप को तो साफ सुथरा व्यक्ति रख ही लेता है, पर बाहर से जितना चमक रहे हैं, अंदर से उतने ही काले, वाणी उतनी ही गंदी, सोच उतनी ही खराब। कहते ना कि सरकार काला धन तो ले जाएगी, पर काला मन कैसे ले जाएगी। और सबसे पहले निकालना ही काला मन ही है। तो किसी को कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोचिए। मैं एक बात हमेशा कहती हूं कि थप्पड़ अमीर को मारो कि गरीब को, लगता दोनों को जोर से। ऐसा नहीं है एक को जोर से लगेगा और एक को तो आदत है, लगता दोनों को जोर से। तो कोई चीज अगर आपको लगे कि मुझे तो ये चीज अच्छी नहीं लगेगी, तो दूसरे के साथ भी वो मत करना, क्योंकि हम हमेशा गुस्सा वहां दिखाते हैं जहां लोग हमसे दबे हुए होते हैं। मैं कई बार कहती हूँ, लोग कहते हैं गुस्सा आ जाता है, आ जाता है, आ नहीं जाता। अगर गुस्सा आ ही जाता तो व्यक्ति अपने बॉस पर भी चिल्लाता, वहां कैसे हाथ बंद कर खड़ा रहता है। वो कितना भी चिल्ला दे, कितना भी गालियां दे दे, वहां सर झुका कर ही खड़ा रहेगा, लेकिन घर पे आके अपना बुरा गुस्सा उतारेगा। और जो भी गलत करते हो, एक छोटी से छोटी चीज, एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक कंपनी के बॉस थे, तो उनका थोड़ा दिमाग खराब था किसी बात से, और बात कोई और है, वो भी वहां गुस्सा नहीं उतार पा रहा, लेकिन कोई बात से उसका दिमाग खराब है। उतने में एक कर्मचारी उसके सामने आता है, उसको इतना गुस्सा आया, उसने उसको एक थप्पड़ मार दिया, बात उठा करके गलती कर दी, ये काम नहीं किया, जबकि असल में ऐसी कोई बड़ी बात थी नहीं, पर उसको तो गुस्सा उतारना था अपना। अब वो बॉस के सामने तो कुछ कर नहीं सकता, नौकरी चली जाएगी उसकी, तो वहां से चुपचाप चला गया। अब वो अपने घर आता है, घर आया तो खाना खाने बैठा, पत्नी खाना परोसती है, तो पहला निवाला खाते ही जोर से चिल्लाता, अरे इसमें नमक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, और उसके बाद बच्चों के सामने वो पत्नी पे खूब चिल्लाता, खूब भला बुरा कहता है उसे, यानी अपना पूरा गुस्सा निकाल देता है। अब पत्नी यहां नहीं चिल्ला सकती, उसको भी गुस्सा उतारना है, वो क्या करे। तो उसके सामने से उसका बड़ा बेटा जा रहा था, उसने किसी बात पर उसको एक थप्पड़ लगा दिया, ये काम ठीक से नहीं होता, वो काम दिन भर सबका काम करती रहो। अब उसको गुस्सा आ रहा है, मां पे उतार नहीं सकता, वो किस पर उतारे। उसका छोटा भाई सामने खेलते हुए दिखता है, वो उसको खींच कर एक थप्पड़ लगाता है, क्या दिन भर सब बिखार के रखता है अपने खिलौने। अब उसको गुस्सा आ रहा है, वो बड़े भाई पे उतार
नहीं सकता, वो क्या करे? तो वो घर से बाहर निकलता है गुस्से में, रोते रोते घर से बाहर निकला, ठीक सामने जाता है कि कुत्ता दिखता है, वो कुत्ते को एक लात मारता है। अब कुत्ते को जोर से लगी तो वो थोड़ा सा बौखला के भागा, और भागते भागते वो कुत्ता एक आदमी से टकराता है और वो तुरंत उसे पैर पर काट लेता है। वो आदमी कौन था? वो बॉस। यानी एक गलत थप्पड़ भी आपका घूम कर आता है। अब यहां मान लीजिए सुबह का शाम को वापस आ गया, जरूरी नहीं हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा हो, तो हो सकता है आपकी की हुई गलती का आपको परिणाम 1 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद मिले, पर मिलेगा जरूर। वहां हिसाब एकदम पक्का है, वहां बिल्कुल भी इधर उधर नहीं चलता। आप एक इतनी सी गाली, इतना सा अपशब्द, इतना सा भी गलत करेंगे तो वो भी घूम के आएगा आपके पास। इसीलिए कहा जाता है ना, जब गलत हो तो भगवान को कोसने की बजाय सोचो कि मैंने क्या गलती करी थी। तो परिस्थिति को कोसने की बजाय, खुद को कोसने की बजाय, रोने की बजाय, वो क्या सिखाना चाहता है, ये परिस्थिति हमें क्या सिखाना चाहती है, उस पर ध्यान दो। और पांचवा लक्षण है तितिक्षा, यानी भगवान जो भी दे प्रसाद समझ कर ग्रहण कर। क्योंकि जैसा मैंने कल भी कहा था, आपने हमने भविष्य नहीं देखा। भगवान गीता जी में अर्जुन से कहते हैं कि जो शुरू हो गया तुझे उसका अंत नहीं पता, पर मुझे जो शुरू नहीं हुआ है उसका भी अंत पता है। तो मैं जो कह रहा हूं वो कर। तो भगवान तो भविष्य जानते हैं, तो अगर उन्होंने कोई परिस्थिति जीवन में दी है तो सोच समझ कर दिए, उस पर विश्वास रखकर उसके साथ चलिए। तो ये 5 लक्षण धर्म के, जिनका अगर हम पालन करें तो हम कहीं ना कहीं धर्म की रक्षा कर रहे हैं। और ये 5 लक्षण हर व्यक्ति रोजाना कर सकता है। अब यहां पर राजा परीक्षित पूछते हैं कि प्रभु मुझे दान के बारे में बताइए, दान किसको करना चाहिए, कब करना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं ऐसे तो कभी भी दान करो, बहुत फल प्राप्त होता है, पर कुछ खास दिन होते हैं, जैसे 2 आयन होते हैं, उत्तरायण दक्षिणायन, आप इस वक्त दान करें तो बहुत फल प्राप्त होता है। आपके घर में किसी का जन्म हो तो आप दान करिए, किसी की मृत्यु हो तो आप दान करिए, अक्षय तृतीया के दिन दान करने से बहुत फल प्राप्त होता है। लेकिन दान भी सुपात्र को करो, जिसको जरूरत है। कुपात्र को दान करने से फल उल्टा पड़ जाता है। तो दान उसको करिए जिसको सच में जरूरत है, जिसको जरूरत नहीं उसको दान करने से कोई फायदा नहीं होगा। अब यहां सुखदेव जी से राजा परीक्षित पूछते हैं कि प्रभु कभी ऐसा हुआ है कि किसी पशु को भगवान ने दर्शन दिए हो? बोले जरूर हुआ है। कब हुआ जरा मुझे बताइए। तो सुखदेव जी बताते हैं कि त्रिकूट नामक एक पर्वत था जिसके पास एक सरोवर बहता था। वहां पर गजेंद्र नामक हाथी आया करता था। हाथी कैसा? हाँ, सफेद हाथी, बहुत सुंदर और इतना शक्तिशाली कि उसके सुगंध से शेर भी डरकर भाग जाए, सिर्फ सुगंध भी आ जाए उसकी। तो अपने परिवार के साथ क्रीड़ा करने आता है, तो सब कभी वो सून पे पानी भर के बच्चों पे फेंके तो बच्चे नाचने लग जाए, कभी पत्नी पे फेंके पत्नी शर्मा जाए, तो उनकी यही क्रीड़ाएं चल रही है। अब उसी सरोवर में ग्राह आता है, ग्राह यानी मगरमच्छ, तो उसने आकर गजेंद्र के पैरों को पकड़ा। देखिए जैसा मैंने कहा, हर कथा एक सीख लेकर आती है, एक सार लेकर आती है। जैसे ही उस ग्राह ने गजेंद्र के पैरों को पकड़ा, गजेंद्र कहे मैं इतना शक्तिशाली, ये ग्राह मेरा क्या बिगाड़ लेगा। अब यहां पर गजेंद्र माने हम और आप,
और ग्रह माने काल मृत्यु। काल जब आता है ना तो सबसे पहले पैरों को ही पकड़ता है। कैसे? अब सीढ़ी नहीं चढ़ी जाती, पैरों में दर्द रहने लग गया है, मतलब काल ने पैरों को पकड़ लिया है। अब सुधर जाओ। पर हम कौन है? गजेंद्र, ये मेरा क्या बिगाड़ लेगा। आइए, आप जो भी बैठा रहे हैं, जो वॉलंटियर्स हैं, बात मत करिए, इशारों से बैठाइए सबको। तो वो कहे कि ये ग्राह मेरा क्या बिगाड़ लेगा। अब गजेंद्र पानी का पशु नहीं है और ग्राह पानी का पशु है, तो यहां गजेंद्र की शक्ति कम होती जा रही और ग्राह की शक्ति। अब वो खींचे, खींचते खींचते वो बीच मझधार में ले जाता है। अब गजेंद्र लगा डूबने, डूबने लगा। तो वो अब यहां देखिए, जितने भी पुरुष हैं वो अपने इस तरफ देखने ना लग जाएं ये प्रसंग सुन के, क्योंकि ये खास किसी एक रिश्ते के लिए नहीं है, ये सांसारिक रिश्तों के ऊपर बातें हो रही है। पर वहां दो ही लोग खड़े थे इसीलिए, तो आप थोड़ा यहाँ पर अपना फायदा ना उठाएं। तो उसने पत्नी को आवाज दिया कि तुम मेरी रक्षा करो, मेरी मदद करो, मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया। पत्नी कहे मदद तो कर दूं, लेकिन क्या पता आपको वहां बचाने आऊं और वो आपके पैर छोड़ के मेरे पैर पकड़ ले, मैं नहीं आ सकती। उसने मना कर दिया। फिर वो बच्चों की तरफ देखे, अरे तुम तो मेरी सहायता करो, तुम्हारे लिए मैंने क्या नहीं किया। बच्चे कहते पिताजी चिंता मत करिए, आपका सब काम अच्छे से करेंगे। अरे वो कहे मैं जिंदा हूं, और कई मित्र इत्यादि सबको पुकारता है, लेकिन कोई भी सहायता करने को कौन अपनी जान जोखिम में डाले जब इतनी सी सूंड बाहर रह जाती है। तब उसको कौन याद आते हैं? तब वो कहता है हे परम पिता परमेश्वर मेरी रक्षा करो, हे द्वारिका के नाथ मेरी रक्षा करो, हे द्वारिकाधीश मेरी रक्षा करो। और तब भगवान का सुदर्शन चक्र घूमता हुआ आता है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। ग्राह का उद्धार करता है और गजेंद्र को भगवान अपने। अब देखिए ये दोनों को, ये सब अब कोई राजा था, कोई साधारण व्यक्ति था, इनको श्राप मिला था। फिर श्राप के बाद जब माफी मांगते हैं तो ऋषियों को जैसे क्रोध जल्दी आता है, दया भी जल्दी आती है, तो फिर दोनों को फिर ये वरदान दिया गया कि तुम्हारा उद्धार करने भगवान ही आएंगे। तो दोनों को ऐसे भी भगवान के ही धाम जाना था, लेकिन भगवान कितनी सुंदर बात कहकर इस चीज को समझाते हैं। जब गजेंद्र को भगवान लेकर आए तो ग्राह पहले से बैठा है, क्योंकि उसकी मृत्यु पहले हुई थी, सुदर्शन चक्र मारा उसको। तो गजेंद्र कहते हैं कि प्रभु इसके कारण तो पूरी कहानी हुई और ये मेरे से पहले आकर बैठा है। तो भगवान कहते हैं कि इसे जाना तो वैसे नरक ही था, लेकिन जब इसने मेरे भगत के ही चरण पकड़ लिए तो इसीलिए मुझे इसे अपने धाम लाना पड़ा। तो भगवान यहां पर संगति समझाते हैं कि पापी से पापी भी अगर भक्त की संगति में आ गया तो वो भगवान के धाम ही जाता है। भक्त की संगति इतनी अच्छी होती है। तो यहां पर भगवान अपनी हर लीला से कुछ ना कुछ समझाते हैं। तो भगवान का कोई भी अवतार उठाइए, कोई भी जीवन उठाइए, चाहे कृष्ण जन्म हो, चाहे राम जन्म हो। आज कृष्ण जन्म से पहले हम राम जन्म सुनेंगे, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। उनके पूरे जीवन में ही सीख ही सीख है, और सिर्फ उनके नहीं, आप रामायण का कोई भी पात्र उठाइए, हर पात्र में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। मिलता है कि नहीं? स्त्री को कैसा होना चाहिए, पुरुष को कैसा होना चाहिए, बेटा कैसा होना चाहिए, बेटी कैसी होनी चाहिए, ससुर कैसे होने चाहिए, दुश्मन भी कैसा होना चाहिए, हर चीज समझाई जाती है। तो भगवान का कोई भी अवतार उठाइए, इतना मीठा है, इतनी सीख देता है।
और ऐसा लगता है कि वो समय आज क्यों नहीं है। कहते ना कि धीरे धीरे समय ऐसा होता जा रहा है कि पहले अलग अलग युगों में एक अच्छा एक बुरा था, फिर एक युग में होने लगे कि अच्छाई है और बुराई है, फिर एक परिवार में होने लगे कृष्ण जी। तो कृष्ण जन्म में अच्छाई बुराई एक ही परिवार में थी, पांडव और कौरव, भगवान ने अच्छाई का साथ दिया था। और जब कलयुग की बात आती है तो कहते एक ही व्यक्ति में होगा, एक ही व्यक्ति के अंदर अच्छाई भी होगी बुराई भी होगी। अब उस पर निर्भर करता है वो ज्यादा खाना किसको खिला रहा है, वो अच्छाई को ज्यादा खिलाएगा तो अच्छा बनता जाएगा, बुराई को ज्यादा खिलाएगा तो कंस भी तुम ही हो और कृष्ण भी तुम ही हो, बस अब बाहर किसको लाओगे ये तुम पर निर्भर करता है। तो भगवान की लीलाएं आपको हमेशा कुछ ना कुछ सिखाती है। आइए जैसा हमने बात किया कि श्री राम का पात्र हमें सब कुछ सिखाता है, चाहे श्री राम है, सीता माता है, भरत जी है, कौशल्या माता है, सब कोई हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं। और राम राज्य हर कोई चाहता है। तो बड़ा ही सुंदर भजन कि वो समय काश वापस लौटे, भक्त कहता है। आइए नगरी हो अयोध्या सी नगर, रघुकुल सा घराना हो रघु, और चरण हो राघव के जहां मेरा ठिकाना हो, चरण हो जहां मेरा ठिकाना हो अयोध्या सी रघुकुल सा घराना हो, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहां मेरा ठिकाना हो, मेरा ठिकाना हो। लक्ष्मण सा भाई हो, देखिए यार गाइए गाइए लक्ष्मण कौशल्या माई हो, स्वामी तुम जैसा मेरा thank you.
अब आजकल भाई ऐसे हैं जो सोचे कि अपना हिस्सा तो है, भाई का हिस्सा भी ले लूं। पर उस वक्त एक ऐसा भाई था जिसको राज सिंहासन मिल गया था, फिर भी उसने छोड़ दिया। हो त्याग भर जैसा, हो त्याग भरत जैसा, राजा की बेटी बेटी उसे वनवास नहीं हुआ था पर फिर भी गई सीता सीनारी हो, हो सीता सीनारी हो, सीनारी हो, लव उसके जैसी संतान हमारी हो। शबरी सी भक्ति हो, इतना इंतजार तो शायद ही कोई कर सकता होगा। जैसा मैंने कहा, आज एक काम ना हो तो लोग भगवान बदल ले। उसने कितने वर्ष इंतजार किए और भगवान आए हैं। तो श्रद्धा हो श्रवण जैसी, शबरी भक्ति हो, और हनुमत के जैसे निष्ठा और शक्ति हो, हनुमत के जैसे निष्ठा और शक्ति हो। नहीं राम जी का नाम आया और ये भजन ना आए तो मन नहीं मानता है। जब तक अच्छे से मंदिर के दर्शन नहीं हो जाए तब तक बार बार ये भजन पर, यानी वो एक इच्छा हमेशा रही। क्यों सजा दो अवध में, सजा दो अवध में। और अभी तक भगवान टेंट में रह रहे थे। लगे कुटिया भी दुल्हन सी
लगे कुटिया भी दुल्हन सी लगे और उठा कर पूरे पूरे हाथ अब तेरा तो महाराज अब यहाँ पर सुखदेव जी राजा परीक्षित से पूछते हैं कि प्रभु मुझे समुद्र मंथन के बारे में कुछ बताइए। समुद्र मंथन कैसे हुआ, क्यों हुआ? सुखदेव जी कहते हैं कि एक बार इंद्र रास्ते से कहीं जा रहे थे तो उसी रास्ते पे उनका मिलना दुर्वासा ऋषि से होता है। तो दोनों मिलते हैं। इंद्र ने दुर्वासा ऋषि को प्रणाम किया। दुर्वासा ऋषि अपने गले में एक हार पहने हुए थे तो उन्होंने वो हार वो माला उतार कर इंद्र को पहनाई। आइए थोड़ी शांति सभी बनाकर रखे। तो उन्होंने वो माला उतार कर इंद्र को पहनाई। अब दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। कुछ दूर जाते ही इंद्र ने वो माला गले से उतारी और हाथी की सूंड पर फेंक दी। हाथी के सूंड से वो जमीन पर गिरती है और हाथी उसको कुचलते हुए चला जाता है। अहंकार। तीन लोग 14 भुवन की गद्दी पर भगवान ने इंद्र को बैठाया है। ये ऐसी चीजें हैं, कहते हैं ना कि धन दौलत नाम शोहरत पद प्रतिष्ठा बहुत बिरले होते हैं जिनकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं होती। एक ना एक बार कुछ समय के लिए ये सब मिलने के बाद सबकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं कि भगवान को भी इस बात में लिया जा रहा है। पर विनोद की बात है कि ऐसी वैसी हरकत करने को तो भगवान नहीं करिए। लक्ष्मी का अर्थ क्या है? लक्ष्मी मतलब माया, धन, पैसा चाहिए तो लक्ष्मी जी की पूजा होती है। तो भगवान के लिए कहा गया है कि भगवान की जब लक्ष्मी जी से शादी नहीं हुई थी तो भगवान कहाँ रहते थे बताइए? बैकुंठ। शादी के बाद कहाँ रहे? शीर सागर, रहने की जगह है ये? कोई रहने की जगह है? सोते किस पे हैं? शेषनाग, सोने की जगह है। पर ये सब कब हुआ? लक्ष्मी जी से संबंध जुड़ने के, और लक्ष्मी माने माया। तो कहते हैं कि अंधरमा संबंध ते होत ना अचरज कोई, कि लक्ष्मी से संबंध जुड़ने के बाद व्यक्ति ऐसी वैसी हरकतें करे तो आप ज्यादा आश्चर्यचकित मत होइए कि अंधरमा संबंध ते होत ना अचरज कोई। क्यों? कि कमल नयन नारायण हूं रहे सर्प पे सोए। अरे जिसके कमल जैसे बड़े बड़े नैन है, चलो छोटी छोटी आंखें हो तो समझ भी आए कि ठीक से दिखा नहीं, पर उनके तो नैन इतने बड़े बड़े हैं, पर वो भी शेषनाग पर जाकर सो गए। तो ये सब मिलने के बाद एक ना एक बार तो व्यक्ति, तो इंद्र चले गए। अब दुर्वासा ऋषि इसी रास्ते से वापस आते हैं, अपनी माला पहचान लेते हैं। उनको बड़ा क्रोध आता है। क्रोध में आकर उन्होंने कहा, जिस तीन लोक 14 भुवन का तुम्हें इतना अहंकार है ना, मैं श्राप देता हूं वो तुमसे छीन लिया जाएगा। जैसे हर मोहल्ले में एक ना ऐसे अंकल आंटी होते हैं
जिनका काम होता है हर घर के दरवाजे पर कान लगा के खड़े रहना, किसकी झगड़ा हुआ, किसकी क्या हुआ, हर घर की कहानी उनके पास होती है। तो वैसे देवताओं के पास हमेशा कान लगाकर खड़े रहते थे वो खुद भी देवता, इतना भी नहीं, ये थोड़ा सीरियलों ने ज्यादा ही उनको बना दिया है, ऐसे भी नहीं है वो। शुक्राचार्य जी दैत्यों के गुरु, तो हमेशा कान लगा के किसको श्राप मिला, उन्हें दैत्यों से कहा आक्रमण कर दो, क्योंकि इंद्र श्रापित है, आक्रमण करते हैं 3 लोक 14 भुवन, युद्ध तो नहीं कर सकते, इंद्र श्रापित है, क्या करें। तो बोले काम करो, उनसे जाके मित्रता कर लो। क्यों? बोले हम सब भी पता है समुद्र मंथन में से क्या निकलेगा, अमृत, और उनको ये भी पता है कि समुद्र मंथन ना अकेले देवता कर सकते हैं और ना अकेले, दोनों को मिलना ही पड़ेगा, अमृत दोनों को चाहिए, तो दोनों मिलते हैं मद्राचल पर्वत को बीच में। देखिए दैत्य बहुत शक्तिशाली हैं माना, पर समझदार नहीं है, मूर्ख है, बुद्धि नहीं है उनके अंदर, और भगवान समझदार है, उनको पता है कब बल का प्रयोग करना है और कब बुद्धि का प्रयोग करना है। तो भगवान ने क्या किया, भगवान देवताओं से कहते हैं कि तुम नाग के मुख की ओर रहो और जिद करना कि हमें मुख की ओर खड़े रहना है। तो देवता जिद करने लगे, दैत्य कहते ये विष्णु बड़ा चालाक है, जरूर मुख के सामने रहने से कोई फायदा हो रहा है। तो दैत्यों ने कहा कि नहीं, अभी हम राजा है, हम मुख की ओर खड़े रहेंगे। भगवान कहते बात तो सही है, अब राजा तो यही है, ठीक है कोई बात नहीं, हम पीछे चले जाते हैं। देवता, क्योंकि दो, एक तो नाग का मुख होगा, नाग की पूंछ होगी, तो पूंछ की तरफ जाकर खड़े हो गए। मंथन आरंभ करते हैं तो पहले तो मद्राचल पर्वत डूबने लगता है, तब भगवान ने कौन सा अवतार लिया, कच्छप अवतार, और मद्राचल पर्वत को अपनी पीठ पर रखा। अब मंथन आरंभ करते हैं तो नाग को खींचते हैं, तो जैसे ही खींचते हैं कि नाग के मुख से विष निकलता है, तो उस विष से पहले तो कितने जो आगे खड़े थे वो मारे जाते हैं। बाकियों को समझ आया कि भगवान ने क्या खेल खेला है, वो पीछे हट गए, अब विष बच गया, ये कौन ग्रहण करे। तो विष्णु भगवान कहते हैं महादेव जी के पास जाओ, महादेव जी के पास गए, वो मान जाते हैं। पार्वती जी कहते अरे ये देवता खुद अमृत ग्रहण कर रहे हैं और आपको विष दे रहे हैं, आपकी मृत्यु हो गई तो। महादेव जी कहते जग कल्याण के लिए हो भी गई तो क्या बात है। पार्वती जी समझ गई ऐसे नहीं मानने वाले। देखिए भोले बाबा किस नाम से प्रसिद्ध है, हाँ भोले भंडारी, बहुत भोले भगवान है, इतने भोले हैं कई बार अपना ही भस्मासुर को तथास्तु कहने में खुद का ही गलत कर लिया, क्योंकि भोले बहुत हैं। तो कभी कभी पार्वती जी इनके भोलेपन का थोड़ा फायदा खुद भी उठाती थी। तो पार्वती जी ने कहा एक बात बताइए, आप के इस शरीर में मेरा स्थान कहाँ है, मैं कहाँ रहती हूँ। उन्होंने कहा आप मेरे हृदय में रहती हूँ। तो बोले विष तो गले से हृदय में भी उतरेगा। बोले उतरेगा। बोले मेरी भी मृत्यु हो जाएगी, आप पर पत्नी हत्या का कलंक लगेगा। महादेव जी कहते नहीं नहीं। महादेव जी ने कहा तो एक काम करता हूं, मैं विष को गले से नीचे उतरने ही नहीं दूंगा। तो उन्होंने विष तो ग्रहण किया पर विष को गले से नीचे नहीं उतरने दिया, तब से उनका नाम पड़ा नीलकंठ। बोलिए नीलकंठेश्वर महादेव की। ये प्रसंग उन सबके लिए है जो नशा करते हैं महादेव जी का नाम लेकर। थोड़ा सा अगर आप नशे के जो पदार्थ है ये कहकर लेते कि आपके भगवान भी तो करते, तो हमारे भगवान तो जहर भी लेते, थोड़ा लेकर देखिए। चलिए हम आपसे इतना कुछ करने को नहीं कहेंगे कि जहर लो उसको रोको, इतना तो किसी के अंदर ताकत नहीं है,
लेकिन अगर जहर पचाने की ताकत नहीं है तो फिर कोई और चीज भी आपको भले ही करना है तो भाई अपने मन से करो, भगवान को मत बदनाम करो, क्योंकि वो करते हैं तो उनके अंदर हर चीज को पचाने की ताकत है और इसीलिए उनके कारण भी अलग होते हैं। मैं भगवान, चलिए महादेव जी की बात नहीं, मैं हर भगवान के लिए कहती हूँ, जब भी बराबरी करते हैं ना लोग की, भगवान ने भी तो किया, भगवान ने भी तो किया, भगवान ने बहुत कुछ किया है, थोड़ा करके तो दिखाइए आप। और अगर वहां बराबरी नहीं कर सकते तो यहां भी बराबरी, क्योंकि एक बात हमेशा याद रखना, भगवान की हर लीला के पीछे कारण है जग कल्याण और हमारी हर लीला के पीछे कारण है हमारा कल्याण। ये फर्क है आप में और भगवान। आप जो करते खुद के मनोरंजन के लिए करते हैं, उन्होंने जो किया सब दूसरों के लिए किया, तो इसीलिए आपको कुछ करना भी है तो अपने नाम से करिए, भगवान को बदनाम मत करिए। और अगर फिर भगवान का नाम लेंगे तो फिर ये नहीं तो दूसरी चीज भी करो, भांग ले रहे हो, नशा कर रहे हो तो जहर भी ग्रहण करो। कृष्ण जी के ऊपर बातें करते हैं, ऐसा किया, गोपियां हैं, ये है वो है, तो उसने तो गोवर्धन पर्वत भी उठाया, थोड़ा एक छोटा सा पहाड़ ही उठा दो, सात फनों के सर्प पे नृत्य किया है, एक फन के सामने खड़े रहकर दिखा दो, और वो नहीं कर सकते तो ये भी मत करना। तो यहां पर मंथन कर रहे हैं, अब कई चीजें निकलती है, काम धेनु गाय उच्च श्रेवा घोड़ा, लक्ष्मी माता भी समुद्र मंथन में से ही निकलती है, विष्णु भगवान के गले में वरमाला डालती है, तब से नाम पड़ा लक्ष्मी नारायण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। तो यहां पर अब अंत में अमृत निकलता है, अमृत निकलता है तो दोनों लड़ने लगते हैं, तब भगवान ने कौन सा रूप लिया, मोहिनी रूप लिया। अब दैत्य कामी है, भगवान की सुंदरता देखकर वो अमृत तो भूल गए, भगवान के पीछे पीछे जाने लगे। अब ये कथा आपको क्या सीख देती है कि सुंदरता के पीछे मत भागो, गुणों के पीछे भागो, गुण अमृत है, सुंदरता के पीछे जो व्यक्ति भागता है उसके हाथ से अमृत छूट जाता है, क्योंकि सुंदरता के पीछे भागने वाले दैत्य होते हैं, क्योंकि वो कामी होते हैं, उनका पहला ध्यान सुंदरता काम इसके ऊपर जा रहा है, तो जो सुंदरता के पीछे भागते हैं वो अमृत छोड़ देते हैं। यहां पर भगवान देवताओं को अमृत पान कराते हैं। अब दैत्यों में से राहु नामक दैत्य ने भगवान को पहचान लिया तो वो चुपचाप देवताओं की श्रेणी में खड़ा होता है, भगवान ने गलती से उसको भी अमृत पिला दिया। जब तक भगवान को समझ आया, भगवान ने सुदर्शन चक्र फेंका, सर धड़ अलग कर दिया, पर तब तक अमृत ने अपना काम, तब से वो दो दैत्य बने राहु और केतु। अब यहां पर वापस देवता दैत्य युद्ध करते हैं, पर देवता तीन लोग 14 भुवन ले लेते हैं, क्योंकि सबने अमृत पी लिया। अब राजा परीक्षित पूछे तो क्या देवता चुप, दैत्य चुप बैठ गए, बोले नहीं चुप तो नहीं बैठे। उसके बाद उन्होंने ऐसा काम किया, उन्होंने धर्म का कवच पहन लिया, तीन लोग 14 भुवन सब दैत्यों के पास वापस चला गया। किसकी वजह से? राजा बलि की वजह से, इसलिए उसको राजा बनाया गया। छोटा सा प्रसंग आता है और फिर हम भगवान का वामन अवतार उसके दर्शन करेंगे कि बलि अपने पिछले जन्म में एक डकैत थे, तो उनको पता चला दूर किसी गांव में एक सेठ जी बहुत सा धन लेकर जा रहे हैं, तो वो चोरी करने जाता है। बीच रास्ते के लिए उसने 2 रोटियां बांधी, अब उसे भूख लगती है तो वो पोटली बीच में खोलता है कि सामने से कुत्ता आता है भूखा है, तो वो रोटी की ओर देख रहा है, उसने 1 रोटी उसे दे दी, उसने तुरंत खा ली। अब वो वापस आ गया, दूसरी रोटी की ओर देख रहा है, उसने दूसरी रोटी भी दे दी। इस पूरे काम को करने में कितने मिनट लगे? 24 मिनट, यानी 1 घड़ी। पहले समय घड़ी के हिसाब से चलता था, 1 घड़ी माने आज के
24 मिनट। अब उसका अंत समय आता है। ऊपर पहुंचे यमराज चित्रगुप्त से कहते, बताओ कितने पाप कितने पुण्य। चित्रगुप्त कहे, जीवन भर पाप ही पाप, केवल 24 मिनट का पुण्य। एक भूखे को खाना खिलाया था तो उससे पूछा गया, पहले पुण्य चाहते हो कि पाप, क्या भोगना चाहते हो? उसने कहा, अब वो कुछ कहे इससे पहले सामने से शुक्राचार्य जी जा रहे हैं। शुक्राचार्य जी को लगा कि यहाँ मेरा काम हो सकता है। उन्होंने उससे कहा कि तुम कह दो पुण्य। उसने भी बात मान ली, वो कह दिया पुण्य। बोले, क्या करना चाहते हो? शुक्राचार्य जी कहते, कहो इंद्रासन पर बैठना है। उसने कहा इंद्रासन पर बैठना है, ठीक है। इंद्र को समझाया गया, 24 मिनट की बात है। अब बैठने से पहले शुक्राचार्य जी ने उसके कानों में कुछ कहा, तो क्या करता है वो गद्दी पर बैठता है। 10-12 मिनट तो उसने ऐसे ही व्यर्थ गवा दिए, क्योंकि जैसा मैंने कहा, जैसे ही आपको ये सब मिलता है, पद प्रतिष्ठा, एक बार के लिए बुद्धि, तो वो भूल गया। लेकिन फिर जब उसे याद आता है तो गुरु जी को कहता है, गुरु जी इधर आइए। शुक्राचार्य जी आते, हाथ में जल दीजिए, जल देते हैं। अब वो कहिए, 3 लोक 14 भुवन, इसका मालिक अभी मैं हूं। सब कहे, हाँ भाई 10 मिनट के लिए तो हो। तो बोले, ये 3 लोक 14 भुवन मैं अपने गुरु जी को दान में देता। उसने 3 लोक 14 भुवन दान में दे दिया, इसीलिए उसको राजा बनाया गया, कि उसी की वजह से सब मिला। और जैसा मैंने कहा कि अब इन सब ने धर्म का कवच पहन लिया, इसलिए बामन अवतार में भगवान ने मारा नहीं, कंस को मारा, रावण को मारा, क्योंकि वो कुछ ऐसी खास गलतियां कर ही नहीं रहे। तो यहाँ देवताओं की माता अदिति, जैसे दिति दैत्यों की माता हुई, अदिति देवताओं की माता है, वो भगवान से प्रार्थना करती है, तो भगवान उनके घर बटुक रूप बामन अवतार ग्रहण करते हैं। यहाँ पर राजा बलि एक यज्ञ कर रहे हैं, भगवान उस यज्ञ में पहुंचते हैं, दान के लिए आवाज लगा रहे हैं। वो आवाज सुन के एक बार वो खड़ा होता है, तो शुक्राचार्य जी उसे बैठा देते, क्या जितना करना था दान हो गया, अब यज्ञ पूरा करो, पर भगवान को उसको यज्ञ से उठाना है। तो भगवान कितनी सुंदर आवाज दे रहे हैं, सोचिए। कहते ना, कई बार आपके जीवन में होता है भगवान आसपास ही होते हैं, पर हम इतना पढ़ चुके हैं दुनिया में कि हमको समझ नहीं आता। तो भगवान कितने स्पष्ट रूप में उससे कह रहे हैं कि कौन आया है। भगवान कहते हैं, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर। मीठी मीठी तालियों के साथ, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान, के युग युग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे। एक प्रार्थना, आपके बीच से बामन भगवान आ रहे हैं, उनका रूप कैसा है? उनके हाथ में भिक्षा पात्र है। एक में ध्यान से सुनिए सब, उनके भिक्षा पात्र में कोई कुछ भी नहीं डालेगा। सबसे निवेदन है, और जो उनके आसपास है ध्यान रखे, ये सिर्फ एक लीला है, हम इतने बड़े नहीं हुए कि भगवान को कुछ दे सके, तो कोई उनके भिक्षा पात्र में कुछ भी ना डाले, सिर्फ दूर से दर्शन करिए। बोलिए बाबा।
सब बैठ जाइए अभी, सब बैठ जाइए, दर्शन करिए अभी, सब बैठे रहिए, जितने भी है सब बैठ जाइए। अब भगवान यहाँ पर इसको बता रहे हैं, भगवान उसे बता रहे हैं कि तू अपने आसपास देख, अपना वातावरण देख, सब कितना बदल गया है, वही तो कारण होगा। भगवान कहते हैं, डोल उठी है सारी धरती, डोल उठी है सारी धरती, देख ले डोला गगन है तारा, डोल उठी है सारी धरती, देख ले डोला गगन है सारा, तुझे वापस बहुत कुछ मिलेगा। भगवान कहते हैं, आज लुटा दे तेरे सर्व से अपना, मान ने कहना मेरा, आज लुटा दे सर्व से अपना, मान ने कहना मेरा, आज लुटा दे सर्व से अपना, मान ले कहना मिट जाएगा पल में तेरा, जन्म जन्म का तेरा रे, जन्म जन्म का तेरा, पूछो करे तू अब अपना भगत धर रे, यज्ञ से उठता है, बच्चे को अपने पास बुलाता है, बलि कहे बताओ तुम्हें क्या चाहिए, आज तो मन करता है अपना सब कुछ लुटा दे। ठाकुर जी कहते हैं, हमें ज्यादा नहीं चाहिए, हम संतुष्ट ब्राह्मण हैं, हमें बस तीन पग भूमि चाहिए। अब वो हंसने लगा, वो कहे एक तो आप छोटे से, पैर आपके छोटे छोटे, तीन पग भूमि में कितना मिल जाएगा। अरे आप कहिए, मैं आपको अपना आधा राज्य दे दूं,
भगवान कहते नहीं नहीं हम संतुष्ट ब्राह्मण हैं कि बार बार ये तीन पग भूमि वो नेत्र बंद करते हैं तो देखते हैं सामने साक्षात परम पिता परमेश्वर भगवान खड़े हैं। शुक्राचार्य जी कहते हैं बलि मना कर दो, अरे ये विष्णु है तीन पग भूमि में तुम्हें कंगाल कर देगा। बलि कहे अब तो मैंने वचन दे दिया और इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है कि मुझसे मांगने खुद भगवान आए। बलि कहता है दी मैंने तीन पग भूमि, अब ये बोलते ही भगवान अपना आकार बढ़ाने लगते हैं। बढ़ते 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 भगवान ब्रह्मांड तक चले जाते हैं। अब भगवान अपना पहला पैर रखते हैं, पूरी धरती नाप लेते हैं। दूसरा पैर रखते हैं, पूरा ब्रह्मांड नाप लेते हैं। भगवान ने सिर्फ दो पैर कहाँ रखूं। बलि कहता है एक बात बताइए, दान बड़ा कि दानी बड़ा, बताओ कौन बड़ा, दान बड़ा कि दानी बड़ा, दानी बड़ा। तो बलि कहते हैं तीसरा पैर मुझ पर रखिए, और भगवान अपना तीसरा पैर राजा बलि के ऊपर रखते हैं। बोलिए वामन भगवान की। जब धरती पर धर्म घटा तब तब प्रभु ने अवतार लिया, तब तब प्रभु ने अवतार लिया। करो हरि हरि दर्शन, हरि दर्शन करो, हरि हरि दर्शन, हरि हरि दर्शन करो, हरि हरि प्रकार भगवान बामन अवतार ग्रहण करते हैं। अब सुखदेव जी कहते हैं कि अब मैं तुम्हें इक्ष्वाकु वंश के बारे में बताता हूं। इस वंश में राजा नभग हुए, राजा नाभाग हुए, राजा अम्बरीश हुए। राजा अम्बरीश विष्णु भगवान के बहुत बड़े भक्त हुए। इनका छोटा सा प्रसंग आता है कि इन्होंने एकादशी का व्रत किया था, नदी में स्नान करने जाते हैं तो वहां पर इनका मिलना दुर्वासा ऋषि से होता है। तो ऋषि ने पूछा कैसे हो क्या हो, बातें हुई तो बात बात में उन्होंने कहा कि मैंने व्रत रखा है और शाम को व्रत खोलने के लिए ब्राह्मणों को भोजन पे भी बुलाया है, अगर आप पधार जाएं तो कृपा हो जाएगी। तो वो कहते ठीक है जरूर आएंगे। उसने कहा पक्का बताइए, क्योंकि अगर आप आएंगे तब तो मैं आपके आने के बाद ही व्रत खोलूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं आऊंगा। अब राजा चले गए, यहां पर दुर्वासा ऋषि अपनी भक्ति में लीन हो गए, ऐसे लीन हुए कि उनको समय का पता ही नहीं चला। अब यहां रात शाम की जगह रात हो गई, वहां सारे ब्राह्मण पहुंच गए, सब इंतजार कर रहे हैं अब आएंगे अब आएंगे। अब इतना समय हो गया है कि ब्राह्मणों ने कहा कि राजा अब या तो आप व्रत खोल लीजिए, नहीं तो कुछ समय बाद दूसरा दिन निकल आएगा, फिर व्रत रखना नहीं रखना एक बराबर होगा। तो सबके कहने पर उन्होंने तुलसी का दल मुख में रखा। जैसे ही मुख में रखा के सामने से दुर्वासा ऋषि आते, अब उनको क्रोध आ गया। वो कहते एक तो खुद ने मुझे निमंत्रण दिया और मेरे आने से पहले ही व्रत खोल लिया। तो उन्होंने अपनी एक जटा निकाली, उसमें से कृत्या नामक राक्षसी उत्पन्न होती है। वो राजा के पीछे जाने लगी।
राजा कहीं भागे नहीं, लड़े नहीं, वो वहीं खड़े खड़े भगवान विष्णु का ध्यान कर रहे हैं। भगवान विष्णु का ध्यान उनका करना हुआ कि पीछे से सुदर्शन चक्र का घूमते हुए आना। अब पहले तो जो कृत्या राक्षसी थी उसका उद्धार किया, फिर वो चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे जाता है। अब ऋषि दौड़ते दौड़ते विष्णु भगवान के पास गए कि अरे इसे रोकिए। विष्णु भगवान कहते वो मेरे बस का नहीं है। बोले क्या मतलब? बोले मैंने भेजा ही नहीं तो मैं कैसे रोकूं? ये मेरे भक्त पर कोई अत्याचार करता है ना तो अपने आप ही चला जाता है। तो बोले फिर इसको कौन रोकेगा? बोले जिसके लिए ये गया। तो दुर्वासा ऋषि राजा अम्बरीश के पास आते हैं, तो मुझसे माफी मांगे इससे पहले मेरी मृत्यु आ जाए। अभी छोटा सा प्रसंग उन्होंने सुनाया। राजा परीक्षित को ये बात थोड़ी अटपटी लगी। अटपटी माने अगर कोई बहुत सफल व्यक्ति है तो वो आपको कहानियां किसकी सुनाएगा जो उससे भी सफल है। एक सफल व्यक्ति की प्रेरणा कौन हो सकता है जो उससे भी सफल हो। अब सुखदेव जी है सबसे बड़े वैरागी, तो उनको लग रहा है इतना बड़ा वैरागी उसकी कथा सुना रहा है, वो भी इतने प्रशंसा के साथ जो एक राजा है, यानी जो ऐश्वर्य में है, मोह माया में है, संसार में है, तो उसको समझ नहीं आ रही है बात। तो सुखदेव जी समझ गए। देखिए ये होते हैं ज्ञानी। बड़प्पन हमेशा इस चीज में है कि बड़ा आदमी कब होता है? जब उसके पास कोई बैठकर छोटा महसूस ना करे, इसको बड़ा आदमी कहते हैं। अगर किसी बड़े के पास बैठकर कोई आदमी खुद के हीन भावना में रहे, अपने आप को छोटा, तो फिर वो आदमी बड़ा है ही नहीं, वो अहंकारी है फिर। तो अच्छा बड़ा आदमी वही है जो दूसरों की अच्छाई उजागर करता है कि हो सकता है मेरे नाम की वजह से तुमको मेरी अच्छाइयां दिख रही है, और उसके पास नाम नहीं है लेकिन उसके पास अच्छाइयां मेरे से ज्यादा है। तो यहाँ सुखदेव जी कितनी प्यारी बात कहते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि तुमको लग रहा होगा कि मैं इतना बड़ा, मैं उसकी बात, वो मुझसे भी बड़ा है। राजा परीक्षित कहते कैसे? अब इसका मैं पहले एक उदाहरण आपको देती हूँ। कोई भी एक मिठाई का नाम बताइए जो यहाँ सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है या जो सबसे ज्यादा खाई जाती है। हाँ, लड्डू। अच्छा अब सब अपने अपने मत बताइए। लड्डू, हाँ, जिनके भी, कौन से राम के समझ नहीं आ रहा पर आप समझ गए होंगे। हाँ ठीक है, तो मान लीजिए वहीं के लड्डू। मुझे सामने का नहीं समझ में आ रहा इसीलिए। किनके? भात। कोई एक बताओ। बहादुर राव के लड्डू, बहादुरा के। अरे भिजवाओ तो पता चलेगा। हाँ खिलाएं तो पता चलेगा, बहादुरा के। ठीक है आप समझ गए ना। तो मान लीजिए वो लड्डू है, सब खाते हैं यहाँ पे, सबको पसंद होंगे। मान लीजिए आज मैं कह दूं आपको, आज से छोड़ दो, छोड़ पाओगे? नहीं छोड़ पाएंगे। अधिकतर लोग अभी इक्के दुक्के हाथ उठेंगे, बात अलग है, पर सब यही कहेंगे कि आप 7 दिन के लिए आए हैं, 7 दिन के लिए हम अपने मनपसंद चीज छोड़ दें। कोई नहीं छोड़ेगा, और अगर कोई छोड़ भी दिया तो कुछ दिन के लिए, बाद में तो वो नहीं छोड़ेंगे। लेकिन मान लीजिए कि अगर आपने वो लड्डू कभी चखा ही नहीं, जैसे हमें पता नहीं है कि उसका स्वाद कैसा है, तो अगर हमने नहीं खाया तो हम आगे भी, मान लो कि कोई बोले कि नहीं खाया तो मत ही खाना, वरना एक बार स्वाद लग गया तो। तो अगर आपको, मान लीजिए आपने उसका स्वाद चखा ही नहीं और अब आपको बोला जाए कि छोड़ दो, तो आप छोड़ेंगे? आप बोलेंगे हाँ हमको पता ही नहीं कैसा, छोड़ दिया, चलो। तो सुखदेव जी और राजा अम्बरीश के बीच इतना ही फर्क है। सुखदेव जी कह रहे हैं यहां पर लड्डू का मतलब संसार। वो कहते हैं कि मैंने संसार कभी चखा ही नहीं, मैं तो जन्म लेते ही वन की ओर चला गया था, मैं कभी संसार में रहा ही नहीं,
तो मैंने छोड़ा तो कौन सी बड़ी बात है, या मुझे भगवान मिले तो कौन सी बड़ी बात है। पर राजा अम्बरीश जो इस संसार के बीच में रहता है, जो धन दौलत नाम शोहरत ऐश्वर्य इन सब के बीच रहता है, अगर उसके लिए भगवान का चक्र घूमते हुए आ रहा है तो वो तो मुझसे भी बड़ा भक्त हुआ, हुआ ना। अगर आपने वो लड्डू चखा ही नहीं और आपने छोड़ दिया, कौन सी बड़ी बात है। मजा तो तब आए जब चख के इंसान छोड़ दे, तब उसके अंदर ज्यादा सहन शक्ति है कि हाँ वो कठोर है। तो सुखदेव जी कहते बस यही है कि वो संसार में रहकर भी संसार से अनछुआ है, वो भगवान से प्यार करता है। मैं तो संसार में रहा ही नहीं, मैंने छोड़ा तो कौन सी बड़ी बात है। तो यहाँ पर सुखदेव जी बताते हैं कि राजा अम्बरीश कैसे बड़े भक्त होते हैं। अब इसी वंश में रघु नामक राजा हुए, इसी वंश में दशरथ नामक राजा हुए। उनकी तीन रानियां, एक भी संतान नहीं। यज्ञ करवाया जाता है, उसमें से खीर निकलती है, तीनों रानियों को खीर दी गई। कैकई माता ने अपनी खीर खिड़की पर रख दी कि बाद में खा लूं। अब लीलाएं हैं, तो एक पक्षी आता है और उस खीर के पात्र को लेकर चला जाता है। यहां दिक्कत नहीं हुई कि कौशल्या माता सुमित्रा माता ने अपनी थोड़ी थोड़ी खीर उनको दे दी, पर वो जो पक्षी है वो आकाश मार्ग से जा रहा है। अब वो उड़ रहा है, कभी ऐसे तो कभी ऐसे, तो खीर गिर रही है, तो वो एक पहाड़ के ऊपर से, पर्वत के ऊपर से जा रहा है, जिस पर्वत पर अंजनी माता तपस्या कर रही है। तो वो खीर जब गिरती है तो थोड़ी उनके मुख में जाती है, जिससे फल स्वरूप उनको हनुमान जी होते। श्री राम और हनुमान जी के जन्म में कितना फर्क है बताओ, रामनवमी और हनुमान जयंती में कितना फर्क है, कितने दिन का, 6 दिन का। इस पे भजन भी है कि 6 दिन आगे पीछे जन्मे राम लला हनुमान लला। तो क्योंकि सभी माताओं ने एक साथ खीर ग्रहण करी थी कुछ ही दिनों के आगे पीछे। अब यहाँ तीनों माताएं भी गर्भवती होती है, पहला महीना गुजरता है, दूसरा महीना गुजरता है। अब यहाँ पर जैसे जैसे महीना करीब आ रहा है, महादेव जी अयोध्या में घूमना शुरू कर रहे हैं, उनके भगवान आने वाले हैं। और अयोध्या में दशरथ राजा के घर पर चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी को अभिजीत नक्षत्र में अयोध्या में दशरथ राजा के घर पर भगवान का एक बहुत सुंदर अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जन्म लेते हैं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो, बधाई हो, राम लला की बधाई हो। आइए राम लला के जन्म की बधाई बांटते हैं। ये भजन, ये भय प्रकट कृप दीने मुनि मन अद्भुत रूप। और उठाकर पूरे पूरे हाथ श्री राम का स्वागत करेंगे तालियों के साथ। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मन हारी अद्भुत रूप विचारी। भूषण बन माला नयन विशाला तनु
तोरी के विधि करो ताता माया ज्ञाना तीत अमाना वेद पुराण भवन माता भी समझा माता प्रिय ये सुख पर और फिर सुनी वचन विप्रदेन सुर संतहित लीनि मनोज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपा बोलिए श्री राम चंद्र भगवान की। तो महाराज अब यहाँ पर श्री राम की बाल लीलाएं इतनी नहीं है क्योंकि श्री राम बड़े सीधे बालक हुए, उन्हें कोई शैतानियां कोई बदमाशियां नहीं करी,
कोई चंचलता नहीं, बहुत ही शांत सीधे उनकी बाल लीला भी एक ही मानी गई है। जब श्री राम चलना सीखते हैं तो बस वही एक सुंदर दृश्य याद किया जाता है कि ठुमक चलत रामचंद्र, तो उठ रहे हैं, गिर रहे हैं और सब रानियां पागल हो रही हैं उनके पीछे, भगवान इतने सुंदर लग रहे हैं। तो वो एक भगवान की सुंदर लीला मानी गई, बाकी खास बाल लीलाओं में श्री राम की ऐसी कोई लीला है नहीं। और हम थोड़ा संक्षेप में राम राम जी के जीवन को सुनेंगे और फिर आज के विशेष आकर्षण की ओर चलेंगे। श्री राम थोड़े बड़े होते हैं, गुरु जी के साथ जाते हैं, फिर सीता माता के साथ उनका विवाह होता है, अयोध्या वापस लौटते हैं, अयोध्या लौटते हैं, राज सिंहासन मिलने वाला होता है। लेकिन एक रात पहले कैकेयी माता अपने दो वचन मांगती है, श्री राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत जी को राज सिंहासन। वनवास में जाते हैं, सीता माता का हरण होता है, रावण के साथ युद्ध होता है और रावण का वध करके सब अयोध्या वापस लौटते। आइए कृष्ण जन्म की ओर बढ़ने से पहले कुछ सूचना, कुछ सम्मान और फिर आगे की कथा। सभी से निवेदन है शांति से अपने स्थान पर बैठे रहे। हमारे बीच श्याम हवेली से, खाटू श्याम जी से आमंत्रित करने आए हैं, श्याम हवेली से श्याम भाई साहब, श्याम भाई साहब का स्वागत है। स्वागत, वंदन, अभिनंदन। दीदी को आमंत्रित करने के लिए आए श्याम हवेली से। श्याम हवेली पे 4 दिन से प्रोग्राम चल रहे हैं, कल भव्य जागरण है, आप ही सब लोग सब पधारें। बाके बिहारी लाल की, बोल खाटू नरेश की, जय श्री श्याम। जय दीदी को आमंत्रित करने के लिए श्याम हवेली से श्याम जी पधारे हैं, हम सभी ताली बजाकर उनका स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। आइए अब थोड़ी शांति बना के रखे, क्योंकि अब जिनकी लीला है वो शांत नहीं है, है ना, है ना, वो श्री राम नहीं है कि आपको माफ कर देंगे, तो उनकी लीला के साथ कोई बदमाशी नहीं। तो अब यहाँ पर चलते हैं चंद्रवंश की ओर। राजा उग्रसेन जी हुए, उनके 9 पुत्र हुए, सबसे बड़े पुत्र का नाम था कंस। देव की माता कंस की चचेरी बहन थी, पर वो अपनी बहन से भी ज्यादा प्यार करती थी उससे। उन्होंने उनका विवाह अपने मित्र वसुदेव जी के साथ कराया। अब विदाई हो रही है तो वो कहते हैं मैं अपनी बहन को खुद छोड़ने जाऊं, तो वो रथ चलाकर जा रही है। अब यहाँ पर बीच रास्ते में एक आकाशवाणी होती है कि मूर्ख कंस जिस बहन को तो इतने प्रेम से लेकर जा रहा है, उसी बहन की 8वीं संतान तेरा काल बनेगी, तेरे मृत्यु का कारण बनेगी। कंस कहे काल तब बनेगी जब पैदा होगी, अरे मैं देवकी को ही मार दूंगा तो संतानें कहां से होगी। तलवार निकालते हैं, मारने लगते हैं कि बीच में वसुदेव जी आ जाते हैं।
तुम्हें आठवीं संतान से खतरा है ना, मैं अपनी हर संतान तुम्हें ला कर दूंगा। देवकी को कुछ मत करो, ठीक है। दोनों को कारागार में डाल दिया गया। पहली संतान होती है तो वसुदेव जी ने जो वचन दिया था वो अपनी संतान कंस के पास लेकर आते हैं। जैसे ही संतान गोद में आते हैं कि कंस के मन में ममता के भाव आने लगे। कंस कहे, इसने मेरा क्या बिगाड़ा है, मुझे तो खतरा आठवीं संतान से है। कंस ने कहा, इसे ले जाओ। अच्छा, नारद जी ने देख लिया। नारद जी कहते, तो गलत हो गया, क्योंकि इसके मन में अगर ममता के भाव आ गए तो भगवान कैसे आएंगे। क्योंकि देखिए, ऐसा नहीं है, लोगों को लग सकता है कि अच्छा खासा माने वो नहीं मरने वाला था बच्चा, भगवान ने जानबूझ के मरवाया। नहीं, ऐसे भी भगवान ने वो सारे बच्चे देवकी माता को वापस किए हैं बाद में। पर ये लीला क्यों थी? क्योंकि कंस कोई सच में दयालु नहीं था, ये उसकी बहन का बच्चा है, इसीलिए उसके मन में थोड़ी ममता आ रही। यही वो किसी और का बच्चा होता तो मारने से पहले एक सेकंड भी नहीं सोचता। तो नारद जी कहते, ये तो गलत हो रहा है। तो नारद जी एक कमल का पुष्प लेकर आते हैं। कंस से कहते कि जरा मुझे बताना, इसकी पहली पत्ती कौन सी और आठवीं पत्ती कौन सी। वो गिनने लगे। वो कहे, अरे इसकी तो हर पत्ती पहली और हर पत्ती आठवीं है। तो बोले, तुम्हें क्या पता विष्णु ने कैसी गिनती करी हो, क्या पता उसने उल्टी गिनती करी हो और पहली संतान ही आठवीं संतान हो। कंस समझ गया कि नारद जी का इशारा किस ओर है। वो फूल को फेंकते हुए कारागार के अंदर जाता है, बच्चे को गोद में उठाता है और बड़ी क्रूरता से हत्या कर देता है। पहली संतान, दूसरी संतान, तीसरी संतान, चौथी संतान, पांचवी संतान, छठी संतान, छह संतानों को कंस मारता है। सातवीं संतान को भगवान देवकी माता के गर्भ से ही रोहिणी माता के गर्भ पहुंचाते हैं। ये कौन हुए? बलराम जी। सबको लगा गर्भ नष्ट हो गया। अब बारी आती है आठवीं संतान। मौसम ही अलग है। पहला महीना गुजरता है, दूसरा महीना गुजरता है, सावन का महीना आता है, ये मोटी मोटी बूंदे बरस रही है। ऐसी वर्षा माने कभी हुई नहीं हो, ऐसी वर्षा हो रही है। मोर नृत्य कर रहे हैं, सब कह रहे आइए प्रभु, जल्दी आइए। गैयाएं कह रही है, हमको पालने वाला आने वाला है, गोपाल आने वाला है। सब बड़े प्रसन्न है। भगवान ने पूरे 9 महीने नहीं लिए और यहां पर भगवान रोहिणी नक्षत्र में, कृष्ण पक्ष में, मथुरा में, कारागार के अंदर मध्य रात्रि में छोटे से प्यारे से श्री कृष्ण जन्म लेते हैं। बधाई हो, कृष्ण जन्म की बधाई हो। अब यहाँ पर भगवान अपने असल रूप में भी है वसुदेव जी के सामने। भगवान कहते हैं, अब देर मत करना, मुझे जल्द से जल्द गोकुल लेकर जाओ। वहां नंद बाबा का घर है, यशोदा मैया का घर है, यशोदा मैया के पास एक कन्या सो रही होगी, कन्या को उठाना और मुझे वहां सुला देना। तो आइए, उत्सव कब मनाते, इस उत्सव का नाम क्या है? नंद उत्सव। तो तब मनाएंगे जब नंद घर पहुंचेंगे। अभी सब बैठेंगे, कोई खड़ा नहीं होगा। अभी सिर्फ वसुदेव जी भगवान को लेकर जा रहे हैं तो सब बैठे रहे, बाकी अंत में सबको उठाया जाएगा, सबको नचाया जाएगा जब नंद घर पहुंचेंगे। अभी कोई खड़े ना हो। जेले में प्रकटे कृष्ण कन्हैया, सबको बहुत बधाई है, बहुत बधाई है, सबको बहुत बधाई है, बहुत बधाई है, सबको बहुत बधाई है। जेल में प्रकटे कन्हैया, सबको बहुत बधाई है, सब को बधाई है, सब को बधाई है, सब को
यशोदा मैया के पास एक कन्या सो रही थी, कन्या को उठाते हैं और भगवान को वहाँ सुला देते हैं। अब सुबह सुबह नंद बाबा यशोदा मैया को उनको लगा परेशान नहीं करते हैं तो वो पहले ही चले जाते हैं। रोहिणी माता देखती है, रोहिणी माता जाकर नंद बाबा के पास कहती है, अरे बाबा बाबा एक खुशखबरी लेकर आई हूं। बाबा कहते क्या हुआ? बोले जो हुआ है ना सुनोगे तो नाचने लगो। अरे बोले क्या हुआ? बोले आपके घर गैया चराने, माखन चुराने, रास रचाने, छोटो सो प्यारो सो नटखट कट सो लाला भया भयो है। अब तो नंद बाबा जो उत्सव मना रहे हैं पूरा ब्रज राजा नाचने के लिए। हेलो अपने बच्चों का ध्यान रखें, जिनके छोटे छोटे बच्चे बच्चे हैं।
भयो जय हो नंदलाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय हो नंदलाल की, जय यशोदा लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। जय हो नंदलाल की, जय यशोदा लाल की। हाथी घोड़ा पाल की। आनंद उमंग
राधे राधे। अब कितने थक गए हाथ उठाना, कोई नहीं थका। अब मैं गाऊं, अब साउंड के पास जितने लोग हैं सब आगे आ जाओ, उससे सब दूर, क्योंकि उसी के वजह से सब चल रहा है। एक भी तार हिला और यहाँ सब बंद हो जाएगा, तो पूरे वो साउंड पूरे एरिया से सब पीछे हो जाइए, साइड हो जाइए। निवेदन है, हाँ यशोदा माँ के हुयो लाल, यशोदा माँ के हुयो लाल, बधाई सारे भक्तान। मैंने कल भी धमाल धमाल कहा था, जो आगे खड़े सबके फोन उनकी जेब में, आगे वालों को नाचना है, लाइव आनंद लेना सीखिए, सबको नाचना एक साथ। यशोदा माँ के हुयो लाल, बधाई सारे भक्तान, यशोदा माँ के हुयो लाल, हो बधाई सारे भक्तान, बधाई सारे भक्तान, बधाई सारे भक्तान, बधाई सारे भक्तान, बाजियो रे बाजियो रे बाजियो रे बाजियो रे थाल, बधाई सारे भक्तान, बाजियो रे बाजियो रे थाल, बधाई सारे भक्तान। को जन्म हुयो है, नाचो रे नाचो दे दे ताल, नाचो रे नाचो दे दे ताल, बधाई सारे भक्ताने, नाचो दे दे ताल, बधाई सारे भक्ताने। गली गली में शोर मचा है, गली गली में हल्ला, गली गली में शोर मचा है, गली गली में हल्ला, ओ गली गली में शोर मचा है, गली गली में हल्ला, गली गली में शोर मचा है, गली गली में हल्ला, यशदा माँ ने जाया देखो प्यारा सा लल्ला, यशदा माँ ने जाया देखो प्यारा सा लल्ला। अब देखिए लल्ला हुआ है, मैं भजन गा रही हूँ, आप क्या करेंगे, नाचेंगे। एक बार उठाइए पूरे पूरे हाथ, पीछे तक जितने भक्त हैं यहाँ पर, ओ बल्ले बल्ले बल्ले, राधे 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 राधे, बल्ले बल्ले बधाई सारे भक्तान, बल्ले बल्ले बधाई सारे भक्तान, ओ बल्ले बल्ले बधाई सारे भक्तान, बल्ले बल्ले बधाई सारे भक्तान, ओ गली गली में शोर मचा है, गली गली में हल्ला, गली गली में शोर मचा है, गली गली में हल्ला, यशोदा माँ ने जाया देखो प्यारा सा एक लल्ला, यशोदा माँ ने जाया देखो प्यारा सा एक लल्ला, ओ बल्ले बल्ले बल्ले, राधे 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 राधे, बल्ले बल्ले बधाई सारे भक्तान, बल्ले बल्ले बधाई सारे भक्तान, बल्ले बल्ले बधाई सारे भक्तान, बल्ले बल्ले बधाई सारे भक्तान।
सब सो रहे थे मध्य रात्रि का समय, जितनी गोपियां हैं ब्रजवासी हैं नंद बाबा से क्या कह रहे हैं, चोरी से चुपके से मेरे घर में पीछे से, ओ मेरे घर में वो पीछे से माँ माँ चोर कैसे ओ मेरे घर में पीछे से, ओ मेरे घर में वो पीछे से माँ माँ चोर सबको एक साथ एकदम लंबे लंबे हाथ उठा कर जन्मा है लल्ला मैया यशोदा ने जन्मा है लल्ला नंद बाबा नंद बाबा नंद बाबा बजाए जाए कोठार धीरज में लडुआ बटे नंद बाबा बजाए जाए कोठार धीरज में लडुआ बटे। देखिए आपको तो ज्यादा अच्छे से गाना चाहिए कि आपके यहाँ पर सबसे प्रसिद्ध मिठाई ही लड्डू है। ओ नंद बाबा नंद बाबा नंद बाबा बजाए जय कोठार धीरज में लडुआ बटे नंद बाबा बजाए जय कोठार धीरज में लडुआ बटे। सबको नृत्य करना है जन्मदिन पर जाते हैं तो सब आशीर्वाद देते हैं। अब वहाँ ब्रजवासियों को थोड़ी पता है कि उनके घर भगवान हुआ है तो वो भी आशीर्वाद दे रहे हैं कन्हैया को। तो सब क्या कह रहे हैं, जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी रंग काला जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी रंग काला जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला पगड़ी रंग काला जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला मिली तेरी पगड़ी रंग काला। एक ऐसा भजन जो यहाँ मेरे हिसाब से सबको आता है, छह साल से लेके सात साल तक। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे छोटी ओ छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटी छोटी गई छोटा 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 मेरो मदन गोपाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटा
अब इस विराम की ओर बढ़ते हुए हमने हर रूप से भगवान का जन्मदिन मना लिया। अब थोड़ा सांसारिक रूप से भी मना लेते हैं। किसी के जन्मदिन पे जाते तो क्या कहते हैं? बार बार दिल ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिल ये आए, बार बार दिल ये गाए। ओ जियो हजारों साल ये मेरी है आरज़ू, ओ तुम जियो हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे, happy birthday to Krishna, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to Krishna, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to Krishna, happy birthday। आइए कल सभी समय पर आए। कल का विशेष आकर्षण है गोवर्धन लीला, और कर हम भगवान की बाल लीलाएं सुनेंगे। भगवान ने जितनी शैतानियां बदमाशियां करी वो सब कल। तो समय पर आए और अभी सभी आरती कर कर जाएं। संडे को अपने को ठाकुर श्याम जी का जागरण है, 1 बजे से अपनी कथा 12 बजे प्रारंभ हो। जोर से बोला 5-6 बजे तरीके से बोला ठाकुर श्याम जी का जागरण। हेलो हेलो, एक विशेष सूचना है। संडे 6 तारीख को क्योंकि शाम को बाबा श्याम का खाटू जागरण है, तो उस दिन कथा 12 बजे से स्टार्ट होगी। 12 बजे से स्टार्ट होगी और शाम को 3:30 बजे तक चलेगी। शाम को बाबा खाटू श्याम जी का जागरण है रात्रि 8 बजे से। ये विशेष सूचना है। जिला अध्यक्ष अभय चौधरी जी एवं देवेंद्र जी मंच पे आए। आशीष जी भी मंच पे आए। गीता नगरिया जी हमारी महासभा अध्यक्ष, राखी गेड़ा जी क्षेत्रीय कृपया मंच पे आए।
कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र हारम सदा वसंतम हृदयाल विंदे भवम भवानी सहितम नमामि भवम भवानी सहितम नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी श्री मधुसूदन जी की आरती हरि बोल। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती हरि वो। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। आरती की जय हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरिवर कापे रोग दोष जगने गजन जागे। आंजनी बोत्र महाबल दाई संतन के प्रभु सदा सहाय। देवीरा रघुनाथ पठाए लंका जारी दिया दु दिलाए। लंका सुकोट समुद्र सिखाई जात पवन सुत वार न लाई। लंका जारी असुर संगारे राम जी के काज सवारे लक्ष्मण मुरचित पड़े सकारे। आनी संजीवन कार उबारे मैठी पताल तोड़ी अमकारे। रावण की भुजा उखारे बाही भुजा असुर दल मारे। दहिने भुजा संत जन तारे सुर नर मुनि जन आरती उतारे। जय 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 हनुमान जी उच्चारे कंचन था कपूर लो छाई आरती करत अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे पति वैकुंठ परम पद पावे। लंका विध्वंस किए रघुराई तुलसीदास स्वामी की रति गाई। आरती की जय हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। लाल देह लाली लसे अरुधर लाल लघु वज्र देह दानो दलन जय 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 कपिसू। जय
द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि अर्चाटा लाग्या नीर का पाप गया शरीर का छाटा लाग्या केसर का नाम लियो परमेश्वर का छाटा लाग्या चंदन रा नाम लियो रघुनंदन रा छाटा लाग्या चंदन रा नाम लियो रघुनंदन रा छाटा लाग्या पानी रा और नाम लियो राधे रानी का हरि ओम जगेन जगमय जंत देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्य संतेह नाकं महिमानः सचंद्र यत्र पूर्वे साध्या शांति देवा श्रीवंतिका बकुल चंपक पाजला जय पुन्ना गजात कर वीर साल पुष्पे बिल्लव प्रभाव तुलसी दल मंजरी भी तम पूजयामि जगदी स्वर में प्रसिद्ध नाना सुगंध पुष्पाणी यथा कालो भवानी च पुष्पाञ्जलिर्मया दंतम गृहाणाम परमेश्वर मंत्र पुष्पाञ्जलि समर्पयामि नमः। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलिए मोर मुकुट बंसी वाले की, बोलिए वृंदावन बांके बिहारी लाल की, बोलिए आज के आनंद की। मंच पर आए हुए सभी भक्तों से अनुरोध है